हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही लाजवाब, ये हेल्दी सा और बिल्कुल ना के बराबर तेल घी में बनने वाला गेहूं के आटे का नाश्ता, जो कि बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही चटपटा सा नाश्ता है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, शाम में, सुबह के नाश्ते में, कभी भी आप इसे इंजॉय करिए। तो चलिए हम लोग रेसिपी शुरू कर लेते हैं, तो प्लीज़ फॉलो वॉच करिएगा। यहाँ मैंने एक कप ले लिया है आटा, ये गेहूं का आटा है, और ये इसमें डाल रही हूँ मैं, आधा स्पून से कम है, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ मैं, 1/4 टीस्पून। ये हल्दी पाउडर डालूंगी, अजवाइन इस तरह अच्छे से क्रश करके हमें डाल देना है। मैं यहाँ ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल, आप जो ऑयल खाते वही ऑयल है ये। अब ये देखें फ्रेंड्स, इसे मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी इस तरह से, हाथों से इस तरह से ऑयल जो हमने डाला है उसे रब करते हुए, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक डो तैयार करेंगे। रोटी के डो से थोड़ा सा हार्ड रहेगा ये, ज़्यादा हमें नरम नहीं रखना है। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं 3 बड़े साइज के, इन्हें हम अच्छे से तोड़ लेंगे ताकि गुठलियाँ ना रहे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें मैंने अच्छे से इस तरह से मैश कर लिया है हाथों से, ताकि कोई भी गांठें ना रहे। इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून हल्दी, मैंने डाल दी 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून ये है आपको भुने जीरे का पाउडर, और ये रेड मिर्ची के टुकड़े कटे हुए हैं। अब यहाँ मैं काला नमक और सादा नमक, ये पिसा हुआ है, बहुत ही इससे चटपटा टेस्ट आता है, ये मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 स्पून धनिया पत्ती डाल दी मैंने, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने आलू का अच्छे से मैश कर लिया है, और इसमें ये 1 अनियन डाल रही हूँ मैं बारीक बारीक काट के, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने ये 2 चीज़ क्यूब्स ले लिए हैं, अब इसका मैं स्लाइस बनाने वाली हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से जो स्लाइसर आती है, जो पोटैटो के चिप्स वगैरह हम बनाते हैं, उसी स्लाइसर से हम इस तरह से इसकी चीज़ स्लाइस बना लेंगे, क्योंकि मेरे पास चीज़ स्लाइस नहीं थी। तो अब मैंने जो ये पोटैटो मिला के रखा है, इनके बॉल्स तैयार करूँगी। इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स हमें बना के तैयार कर लेने हैं। अब ये देखें फ्रेंड्स, मैंने ये जो चीज़ स्लाइस की थी इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह से देखें फ्रेंड्स, मैंने ये चीज़ स्लाइस के 2 टुकड़े कर दिए हैं, और फोल्ड करके इस तरह से डाल दूंगी, और इसे हमें अच्छे से फिर से कवर कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है ये, इस तरह से आप बच्चों को बना के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से सारे बॉल बना के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे आटा जो मैंने मिला के रखा था, उसे अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेंगे। एक रोटी के आकार का ये डो ले लिया है, और इससे हम एक रोटी बनाने वाले हैं, इस तरह से जैसे हम रोटी बनाते हैं ना नॉर्मली, उसी तरह से ये थोड़ी बड़ी रोटी बनेगी। तो इस तरह से थोड़ा सा आटा लगा के हम इसकी रोटी तैयार करने वाले हैं। से देखें फ्रेंड्स, इस तरह से हमने रोटी तैयार कर ली है बना के। ये देखिए इसकी मोटाई इस तरह से हमें रखनी है। अब मैं इस पे थोड़ी सी धनिया पत्ती छिड़कने वाली हूँ। अब मैं इस पर थोड़ी सी धनिया पत्ती छिड़क दूंगी।
थोड़ी सी चिली फ्लेक्स छिड़क देना हमें। इससे बहुत ही सुंदर लगता है, हमारा नाश्ता बनके तैयार होता है। थोड़ी सी तिल छिड़क दी है मैंने। अब इन सबको मैं अच्छे से बिठा दूंगी। अब इसे हम पलट लेंगे इस तरह से, और इसे हमें काट लेना है। इस कटोरे से हम काट लेंगे, इसका शेप निकाल लेंगे। ये देखे फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने काट लिया है। मैं एक बॉल लूँगी, ये आलू का जो हमने बॉल तैयार किया था ये लूँगी, और इस तरह से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल लेंगे, और इस तरह से अच्छा एक गोल हमें बॉल तैयार कर लेना है। ये देखे फ्रेंड्स, इस तरह से हमें बॉल तैयार कर लेना है। देखे फ्रेंड्स, सारे हमारे नाश्ते के बॉल्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब चलिए इन्हें गैस की तरफ लेके चलते हैं। मैं नाश्ता को बना रही हूँ बिल्कुल ना के बराबर तेल में, तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये अप्पे पैन, और इसे गर्म होने रख दिया था। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, अच्छे से हम इस तरह से हिला लेंगे ताकि हर तरफ से घी स्प्रेड हो जाएगी और हर तरफ से अच्छा सिक के तैयार होगा हमारा नाश्ता। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ ये हमारे जो नाश्ते बनके तैयार हो गए थे उन्हें, एक एक करके हम इसमें इन्हें सेक लेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हेल्दी वर्जन यूज किया है। इन्हें थोड़ा थोड़ा हम पलट लेंगे ताकि हर तरफ से ये अच्छे से सिके, बिल्कुल लगे नहीं कि हमने इसे डीप फ्राई नहीं किया है। इस तरह से हम इसे पलट लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये नाश्ता, आप ज़रूर से तैयार करें। बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, कभी भी आप शाम के टाइम में कभी भी आप इसे इंजॉय करें। बिल्कुल गुलाबी गुलाबी यहाँ पे हम नाश्ते को सेक लेंगे हर तरफ से। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ रहा है। हर तरफ से इसे हमें सेक लेना है। इस तरह से आप नाश्ता बनाने का बहुत ही हेल्दी वर्जन है ये, बहुत ही कम ऑयल घी में बन जाती है ये। बहुत सारे लोग बहुत कम तेल घी खाना पसंद करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही हेल्दी वर्जन है ये। इस तरह से आप बना के इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तला भुना नहीं खाया जाता है, तो बहुत कम तेल घी में आप इस तरह से बना सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये। थोड़ा थोड़ा जिधर नहीं है उधर हम थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे, जिससे हर तरफ से ये अच्छे से कुरकुरा सिक जाए। नाश्ते हमारे बन गए हैं, उन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखें फ्रेंड्स, अच्छे से तल गए हैं, सुनहरे सुनहरे। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरह से सारे नाश्ते हम बना के तैयार कर लेंगे फिर से। इस बीच याद दिला दूं फ्रेंड्स कि अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज आप लोग को मिलती रहे। हमारे सारे नाश्ते यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं, और इसे मैंने टोमेटो सॉस के साथ परोसा है। तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखे फ्रेंड्स, कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। अंदर जो हमने चीज़ डाली थी वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। करें और हमें कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो प्लीज़ अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज आप लोग को मिलती रहे। तो और एक रेसिपी के साथ फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।